मॉर्निंग एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बहुत ही अच्छी धूप है तो बालकनी में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बाकी आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ दैट इज़ एवोकाडो की रेसिपी। बेसिकली आई एम गोइंग टू मेक गुआकामोली। एंड ये बेसिकली एवोकाडो डिप होता है एक जिसमें जिसके थ्रू आप इसे लाइक एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हो, आप सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही हेल्दी है एवोकाडो, सभी जानते हैं। बेसिकली इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट। अगर आप प्रोटीन डाइट पे हो, अगर आप इवन कीटो फ्रेंडली तो है ही, साथ में आपको विटामिन सी, ए, ई, के, मैग्नीशियम, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, इवन आर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा लाइक सोर्स है। तो यूज़ करें जितना हो सकता है। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ होती है एवोकाडो की, आपको बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, जस्ट मैश करके आप इसके डिप बना सकते हो, आप टोस्ट में यूज़ कर सकते हो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्स, चिकन और पनीर। तो वही मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी शेयर की जाए। एंड दो तीन तरह की टोस्ट मैं शेयर करूँगी विद वन गुआकामोली। तो बस अभी चलते हैं थोड़ी देर में, अनाया स्कूल चली गई हैं एंड ब्रेकफास्ट के लिए बनाते हैं एवोकाडो टोस्ट। सो सबसे पहले यहाँ पर हम एवोकाडो कट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको बस इस तरीके से इसमें कट लगाना है। अच्छा, जब मैंने ये लिया था बहुत रॉ था, तो मैंने इसे चावल में रख दिया पेपर में रैप करके, तो देखिए ये बहुत अच्छे से पक गया। और ये जो साइड में ये ख़राब नहीं है, थोड़ा सा ओवर राइप है, बट आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसका जो सीड है वो निकाल देंगे। एंड जैसे मैंगो कट करते हैं सिंपल, आप इसी में इस तरीके से कट लगाएं, क्योंकि हमें मैश करना है। तो इस तरीके से मैंने कट लगा के और जस्ट हम इसे बोल में निकाल लेंगे। ये देखें बहुत आसानी से पील हो जाता है, बहुत आसानी से निकल आता है। तो बाकी भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। और क्योंकि मैं ओपन टोस्ट भी बनाऊंगी तो मुझे थोड़े से स्लाइसेस भी चाहिए, तो मैं इस तरीके से कट करके चार पांच इसके स्लाइसेस जो हैं वो जस्ट इस तरीके से निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पर चीज़ सैंडविच भी बताऊँगी, कुछ ओपन टोस्ट बताऊँगी जिसमें आप ये गुआकामोली यूज़ करके बना सकते हैं, जो देखने में तो बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल लगते हैं और खाने में हेल्दी ऑल्सो। एक अनियन ली है जिसे मैं इस तरीके से फाइनली चॉप कर लूँगी। तो गुआकामोली बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एवोकाडो हमने पील कर लिया है, अब हम उसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस। अनियन बहुत फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मुंह में नहीं आनी चाहिए, इतने छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए। एंड साथ में है कुकम्बर, थोड़े से मैं स्लाइसेस पहले निकाल लूँगी एंड देन फिर हम कुकम्बर को भी फाइनली चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। एंड साइड में मैंने एग रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला, आप अगर वेजिटेरियन हैं, आप सिर्फ गुआकामोली ही लाइक स्प्रेड करके टोस्ट के ऊपर विद सम वेजीज लाइक कुकम्बर, और अगर आप लेटस वगैरह लगा के भी आप सर्व कर सकते हैं फॉर वेजिटेरियन। एंड नॉन वेजिटेरियन में तो फिर एग्स और चिकन का बेस्ट ऑप्शन है ही। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कोरिएंडर चॉप किया है एंड थोड़ा सा फाइनली चॉप टोमेटो भी चाहिए हमें। जस्ट मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें हैं वो फाइनली चॉप्ड हो। थोड़े से हमें यहाँ पे टोमेटो स्लाइसेस भी चाहिए, तो वो भी मैं इसी में से निकाल लूँगी। और बिल्कुल मैंने स्मॉल साइज टोमेटोज यूज़ किए हैं, 1.5। एंड लेमन चाहिए हमें। तो चले अभी स्टार्ट करते हैं गुआकामोली बनाना। तो एक बड़े बोल में हम ले लेंगे एवोकाडो जो हमने पील किया था, तो क्योंकि इसे हमें मैश करना है तो बड़ा बोल चाहिए। तो मैशर की मदद से या फिर कोई बड़ा स्पैचुला से, बिकॉज़ इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से मैश हो रहा है, ये देखें। एंड अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने सारी इंग्रेडिएंट्स चॉप किए थे, टोमेटोज, कोरिएंडर, कुकम्बर एंड अनियंस।
नाचोस के साथ ये डिप बहुत अच्छा लगता है, लाइक ग्वाकामोली, तो आप उसके साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, एंड थोड़ा सा सॉल्ट। सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गई, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। बस नाउ गिव अ नाइस मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार और इसे हम मैश करेंगे सो दैट जो टमाटोज हैं, कम्बर हैं, अनियन है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एवोकाडो चीज़ सैंडविचेस। तो इसमें सबसे पहले हम ग्वाकामोली को स्प्रेड करेंगे जो हमने ये डिप बनाया है। एंड इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़ स्लाइस, आप ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इवन इसी में बीच में आप पनीर या चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। कवर करेंगे, थोड़ा सा बटर लगा के इसे मैं रख देती हूँ ग्रिल होने के लिए। और तब तक मैंने देखे ये दो स्लाइसेस ऑलरेडी टोस्ट कर लिए हैं, इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे डिप। ये मैं ओपन टोस्ट बना रही हूँ विद ग्वाकामोली, तो इसे हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एग, बॉयल्ड एग, जिसे आप इस तरीके से स्लाइसेस भी कर सकते हैं, आप हाफ बॉयल्ड एग भी हाफ करके यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा, इवन गेस्ट आए हैं तो इट लुक गुड, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप एक हेल्दी ऑप्शन उन्हें सैंडविच एंड टोस्ट की तरह आप जब सर्व करोगे तो इट लुक गुड। तो ये देखिए, तो अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो जो मुझे खाना है वो कर दिया है असेंबल। साथ में मैंने एवोकाडो के स्लाइसेस भी रखे हैं एंड थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल लेंगे चिली फ्लेक्स एंड सीजनिंग, एंड हेयर योर ओपन टोस्ट इज़ रेडी। और यहाँ पर देखिए चीज़ जो सैंडविच है वो भी ग्रिल हो गया है, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इट लुक्स यम। इसे कट कर लेंगे एंड अभी मैं दो टोस्ट और असेंबल करके दिखाती हूँ। तो एक टोस्ट के ऊपर मैं रखूँगी सनी साइड अप, ये भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन। एंड फिर थोड़ा सा अभी ये ग्वाकामोली और बचा है तो मैं एक और असेंबल करूँ। तो आप ये देखें कि एक एवोकाडो में आपने कितने सारे सैंडविचेस एंड ओपन टोस्ट बना लिए। तो कॉस्टली ज़रूर है एवोकाडो, आई नो डेली हम नहीं, बट ये है कि आप, मैंने ये बिग बास्केट से मंगाया था 40 या 50 रुपीज़ का, बट आप देखो कि एक बार में आप कितना हेल्दी खा रहे हो और यमी ऑल्सो। तो हेयर प्लेटिंग इज रेडी एंड लुक एट दिस, इट लुक्स टोटली ऑसम एंड बिलीव मी खाने में बहुत ही यमी एंड हेल्दी। तो वी आर गोइंग टू एंजॉय आर एवोकाडो चीज सैंडविचेस एंड ओपन टोस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।